थ्री योगा पोजेस फॉर हेल्दी बोन्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे वो तीन योगासन जो कि हेल्दी बोन्स के लिए काफी जरूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो तीन आसन। अर्धमते सेंद्रासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ले आइए, कमर को सीधा कीजिए और थोड़ा श्वास पर ध्यान रखते हुए अब हम अपने लेफ्ट लेग को मतलब अपनी उल्टी पैर को ऐसे राइट पैर के नीचे की ओर लाना है और अपने हिप पर मतलब अपनी जो हिप है आपको हील पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद राइट पैर को अपनी नी जो आपने फोल्ड की है नी इसके आगे की तरफ मतलब उधर की तरफ रखना है, आपको ज़्यादा आगे नहीं रखना है। इस तरह से रखते हुए कमर को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले आपका राइट हैंड पीछे की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आप अपनी एल्बो से सपोर्ट देकर अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं और यह हाथ आपका सीधा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और नेक पीछे की ओर। जब आप शुरू करते हैं तो आपको इनहेल करना है, पीछे आते हुए आपको एक्सहेल कर देना है, श्वास नॉर्मल रखनी है। आपको इसमें गर्दन ज्यादा नीचे या ऊपर या किसी तरह कि कोई मूवमेंट मतलब आपका जो शोल्डर है ज़्यादा नीचे झुके नहीं, स्पाइन इस तरह से झुकनी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखना है। और वापस आते हुए गर्दन को सबसे पहले फिर आपको लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड को इस तरह से रखते हुए सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इसी आसन को आपको दूसरी साइड से भी करना है। अब मैं बता देती हूँ कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप पूरा ट्विस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है ये पैर आपने नीचे रखा, इस पैर को आप आगे भी रख सकते हैं। अगर आपसे बिल्कुल ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो जा रहा है तो उस पैर को थोड़ा सा आगे रखिए, ट्विस्ट कीजिए। आप यहाँ तक ट्विस्ट हो पा रहे हैं इट्स ओके, आप हिप तक भी रख सकते हैं। हाथ को इस तरह से रखते हुए ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप इधर की साइड भी मतलब आपके शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ भी देख सकते हैं। श्वास लेना और छोड़ना उसी पैटर्न में रहेगा। और अगर आपका हाथ यहाँ तक भी नहीं आ पा रहा है तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो पूरा ट्विस्ट करते हुए अपने ये ट्विस्ट करा आपने इस तरह से आप कर सकते हैं, अपने आगे वाले अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ये है मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तब आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं। वृक्षासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देखरेख में आप ये आसन जरूर करें। अब अपने लेग को राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर और बिल्कुल अंदर इस तरह से बिल्कुल इनसाइड मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है ना इसको आगे करना है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा आपको पीछे करना है, ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है फैलाते हुए, इनहेल करते हुए खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है, फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहां पर भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए, फिर नी तक आइए और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए। अर्धचंद्रासन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको
ऐसे ताड़ासन में स्थिति में खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा। फिर अपने दोनों पैरों को 4 फीट की दूरी पर इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एक ट्रायंगल पोज में आ जाएंगे, दोनों हाथ खोलते हुए नीचे की ओर आना है। जितना आप नीचे आ सके आप उतना ही नीचे आए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको नी हल्का बेंड करना है यहाँ पर और हाथ को नीचे रख देना है, या तो अपनी फिंगर्स या आपको पूरा हाथ रख देना है। तो अभी हम फिंगर्स रखेंगे इस तरह से। नी बेंड करने के बाद अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो नी को सीधा ही रखें और हाथ को नीचे की तरफ करें, लेकिन ध्यान रखें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, तो आप नीज को बेंड भी कर सकते हैं। बेंड करने के बाद आपको अपना जो वेट है पूरा वेट इस लेग पर शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, अब हम इस लेग को धीरे से ऊपर उठाएंगे और ये हाथ आपका ऊपर की ओर इस तरह से चला जाए। दोनों नी आपके स्ट्रेट है, हाथ ऊपर है और आपकी बॉडी एकदम सीधी है, मतलब आपकी जो स्पाइन है सीधी है, आगे नीचे ऊपर नहीं करना है। ये आपका फाइनल पोस्चर हो गया है और हाथ ऊपर ऊपर की ओर आप देख भी सकते हैं। अगर बैलेंस बन रहा है आपसे, ठीक है, बिल्कुल नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप नेक को सीधा ही रखें। और अगर आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पर इस पर यहाँ पर एक ब्लॉक भी रख सकते हैं या फिर एक चेयर भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो चेयर रखकर यहाँ पर आपको बैलेंस रखकर इस तरह से इस पोस्चर को कर सकते हैं। तो ये थे वो 3 योगासन जो कि हेल्दी बोन्स के लिए काफी जरूरी होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।